आज दुनिया में जितने लोग भी महानता की ओर बढ़ रहे हैं, महानता की ओर, आपने मुकेश अंबानी का नाम सुना है, सभी ने सुना होगा। अगर आज किसी के पास कुछ लाख कुछ करोड़ आ जाए तो उसके बाद वो अपनी ही मूर्ति बना के पूजने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो इतना बड़ा धनपति है एशिया में उसके बराबर कोई नहीं है, वो भी रोज दो घंटे बैठ के श्रीनाथ जी की पूजा कर रहा है पत्नी के साथ, समझ रहे हैं? शुद्ध शाकाहारी है और अपने जीवन में अपने या विवाह हो या जो भी कुछ कोई चीज होगी उसको पूरे सांस्कृतिक तौर से जैसा चाल चलन होना चाहिए वैसा ही निभाता है, फुवड़ता नहीं है। और आज देखिए वो कहां है। जीवन में इंसान के सबसे बड़ी चीज, अगर दुनिया में महान बनना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, श्रेष्ठ बनना चाहते हो, तो अपना आहार सही करो। पहला कार्य है आहार शुद्धि, और जिसका आहार शुद्ध नहीं है जीवन में कभी बड़ा नहीं बन सकता, वो हमेशा गड्ढे में जाएगा। जीवन में ध्यान रखिएगा, इन लोगों के आहार शुद्ध नहीं, इसलिए ये ऊपर जा रहे हैं, इसलिए ऊपर जा रहे हैं। दुनिया के अंदर सुनना मेरी बात, यहां बैठ के आप सुन रहे हो दुनिया, और मुझे यूट्यूब फेसबुक पर भी लोग सुन रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट कहती है, जिस रिपोर्ट में जो जैन भाई बहन है उनके पास दुनिया के अंदर जितनी दौलत है उसमें से 5% पे उनका अधिकार है। 5% आपको समझ में नहीं आएगा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। भारत में जो 2-2.5% है, दुनिया में कितना परसेंटेज होगा सोचो। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो शुद्ध शाकाहार जीवन जीते हैं और परमात्मा उनको बढ़ाता चला जा रहा है, कोई कमी नहीं है उनके यहां। क्योंकि अब दूसरी बात सुनो, क्योंकि जैसे परमात्मा ने मुझे बनाया वैसे आपको बनाया, वैसे एक कुत्ते को बनाया, एक हाथी को बनाया, एक मछली को बनाया, एक बिल्ली को बनाया, सबको बनाया ना परमात्मा ने बनाया। और योनि योनि की बात है, कल को तुम और हमें भी वही बनना है, कर्म करोगे तो। एक परमात्मा की अब सब संतानें हैं, वो परमात्मा देख रहा है कि मेरी एक संतान एक संतान को मार के खा जा रही है, क्या वो परमात्मा तुम्हारा भला करेगा? बताओ, खुद सोचो। तुम्हारा ही एक बच्चा, तुम्हारे ही एक बच्चे को मार दे, खा जाए, तुम्हें अच्छा लगेगा? विचार करके बताओ। तो फिर उस परमात्मा की अब संतान है, विचार करो, अगर हम ऐसा करें तो क्या हमारा अच्छा होगा? कभी नहीं हो सकता। हम हमेशा दुख, दरिद्रता और हमेशा किसी ना किसी परेशानी के साथ निम्न दर्जे का जीवन ही बिताएंगे, कभी हम महान नहीं बन सकते। जीवन में ध्यान रखना, ईश्वर परीक्षाएं लेता है और एक एक की लेता है, एक एक की लेता है। किसी को मारकर आपके जीवन में कभी भी सुंदरता नहीं आ सकती, श्रेष्ठता नहीं। ये सब चीजें आपके लिए गड़बड़ है। दुनिया में ऐसा कोई देवता नहीं है, कोई देवी नहीं है जो कहती हो कि मुझे बलि चढ़ाओ, कोई नहीं है। ये सब मूर्खों के बनाए हुए चोचले हैं और मूर्खों के बनाए हुए स्वाद हैं। ये सब उन लोगों की बातें हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो आज भी पशुता का जीवन जीना चाहते हैं। इस सब कोई ग्रंथ उठा के लिए जहां ऐसा लिखा हो किसी को मार दो, कोई देवी कहेगी, कोई मां कहेगी, कोई देवता कहेगा, कोई पिता कहेगा, एक को मार दो और तुम्हें मैं बचा लूं? क्या मूर्ख बनाने वाली बातें। बचो इन चीजों से और साक्षात ईश्वर को जानो, उससे बड़ा कोई नहीं है। तुम्हारी पूजाएं, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे कर्म सब बेकार हैं अगर तुम्हारे द्वारा किसी भी तरह की कोई हिंसा होती है। ध्यान रखना, और जिस दिन तुम सरल हो गए वो तुमसे ज्यादा सरल होकर तुम्हारे जीवन का कल्याण कर देगा। सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने भाई बहनों का ध्यान रखो, हमेशा सत्य पे चलो। सत्य ध्यान रखना, साँच को आँच दिख सकती है लेकिन साँच जब भी चलोगे उसके यहां देर है, अंधेर नहीं है। वो सबका कल्याण करने वाला है, वो सबके जीवन को उन्नत करने वाला है, बस आपको जानना है, समझना है।
अपने माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। सास ससुर को चाहिए अपने बच्चों को बढ़िया आशीर्वाद दें, उन्हें अच्छा सिखाएं, और खुद नहीं सीखे तो जो सीख गए हैं भले ही वो छोटे उनसे सीखें, उनसे सीखिए। जरूरी थोड़ी है तुम बूढ़े हो गए तो तुम ज्ञानी हो गए। नहीं नहीं, छोटे से बच्चे को तुमसे ज्यादा ज्ञान हो सकता है और होता है, आजकल तो है। इसलिए जहां से सीखने को मिल जाए आप सीखो। यही कथा का सार है, यही श्री कृष्ण कहना चाहते हैं।